मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। जो कुछ मैंने आपको समझाया वही बात आप अपने पड़ोसी को समझाएं, और रोज अगर किसी एक व्यक्ति को आप ये बात समझाएंगे तो एक साल में हर व्यक्ति 365 परिवारों तक ये संदेश पहुंचाएगा, और वो 365 परिवारों में कौन जाने दूसरा राजीव दीक्षित पैदा हो और इस देश के हजारों घरों तक वो मैसेज जाए। घर घर में, गांव गांव, गली गली में ये संदेश पहुंचाने की जरूरत है, और ये संदेश पहुंचाने का काम आपको करना है। एक दिन मैंने हिसाब लगाया कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी जो कुछ हम खरीदते हैं आज, 45 रुपए लीटर हम पेट्रोल खरीदते हैं, 30 रुपए लीटर डीजल खरीदते हैं, 300-350 रुपए का एलपीजी गैस का सिलेंडर खरीदते हैं, ये कब जब $1 1 रुपया है तब, मान लो सॉरी $1.44 है तब, मान लो $1 1 रुपया होता तो भारत ने कर्ज नहीं लिया होता, $1 1 रुपया होता तो पेट्रोल की कीमत ₹1 लीटर, ₹1.57 लीटर पेट्रोल हमें मिलता, डीजल की कीमत 40-45 पैसे लीटर, रसोई गैस का सिलेंडर ₹15 या ₹20, दिल्ली से अमेरिका जाना और अमेरिका से वापस दिल्ली आना ₹450 में, मुंबई से दिल्ली जाना, दिल्ली से मुंबई वापस आना एसी स्लीपर क्लास मुश्किल से ₹22-23 में। हर चीज इस देश में आज जिस कीमत पर मिल रही है उससे 44 गुनी सस्ती हो जाती सीधे सीधे अगर रुपया डॉलर बराबर होता। रुपया डॉलर कब बराबर होता? जब भारत कर्ज मुक्त होता, कर्ज नहीं लिया होता। अर्थात जिन नेताओं ने कर्ज लेकर इस देश को दुष्चक्र में फंसाया है, ईश्वर उनकी आत्मा को कभी शांति प्रदान न करे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। हमारे देश में कहते हैं मरने वाले की आत्मा को शांति मिले, मैं कहता हूं कि जिन नेताओं ने कर्ज लेकर इस देश को कर्ज के दुष्चक्र में फंसा दिया, जिंदगी भर उनकी आत्मा भटकती रहे, उनको कोई योनि ना मिले, क्योंकि जितना बड़ा पाप कर्म वो करके चले गए अब उसका दुष्परिणाम हमारी आने वाली 20 पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा।